तो गाइस ऑटो के अंदर बैठ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सांस लेने को जगह नहीं है, फिर भी क्या करें। तो आज में जाना है, ब्लॉग कंप्लीट करना है, तो गाइस ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस मैं न्यू वीडियो लेके आया हूँ कि जैसा मैंने बताया था कि मैं ताजमहल के ऊपर ब्लॉग बनाने वाला हूँ। तो गाइस मैं फाइनली ताजमहल के लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ताज मेट्रो स्टेशन है गाइस। तो हम इस साइड जाने वाले ताजमहल के अंदर, तो गाइस वीडियो में बने रहना, वीडियो को देखते रहना। ये क्या है, सो गाइस हम अभी मतलब मेन गेट के अंदर जाने वाले जो ताजमहल के अंदर लेके जाएगा। तो गाइस ये मेरा फ्रेंड है और हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, कभी आए नहीं थे यहाँ पर। तो गाइस मैं आपको गेट दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये मेन गेट है, यहाँ से जाना पड़ता है अंदर के लिए। टिकट वगैरह का तो कुछ पता नहीं, और ये है बोगी वगैरह, इसमें बैठ के तुम घूम सकते हो। और हम अभी जिस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं गाइस, ये उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध जगह है आगरा। यहाँ का ताजमहल सबसे फेमस है, शाहजहाँ ने बनवाया था मुमताज के लिए। और आजकल के लोंडे अपने प्यार के लिए जरा सा दूर नहीं जा सकते। वो बंदे ने कहाँ कहाँ से सामान वगैरह मंगवाया था अपने वाइफ के लिए उस समय, वो भी पुराने टाइम में। और आजकल के लोंडे अपने जीएफ को एक आईफोन नहीं दिला सकते गाइस, तो क्या करना गाइस इनका। तू तो गजब रोला है लोंडे तेरा, तू चलता है तो जैसा लगता है मियां खलीफा चल लियो भाई भाई। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा, काफ़ी फनी लोग वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पर, तो उनसे भी बात करेंगे हम। तो गाइस ब्लॉग बनाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। और गाइस मैं यहाँ की एक रियलिटी बताता हूँ, शाहजहाँ ने अपने वाइफ के लिए, मुमताज के लिए यहाँ पर ताजमहल बनाया था। और आजकल के लोंडे जो अपने जी आपको आईफोन नहीं दिला रहे, ये तो गलत बात है ना। बेचारे ने कहाँ कहाँ से सामान मंगवाया था, फिर भी तुम अपनी जीएफ को यार आईफोन तो दिला ही सकते हो। हेलो गाइस, जैसे कि गाइस हम प्यार में पड़ चुके हैं, इसलिए हम भी प्यार की निशानी देखने को ताजमहल पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं प्यार की निशानी को, मुमताज की कब्रों को पर जाने वाले हैं हम। शाहजहाँ ने इतनी मेहनत से बनाया था, और यहाँ पर आजकल लोंडे अपने जेब को आईफोन नहीं देते, यहाँ तक कि शाहजहाँ ने पूरा ताजमहल बनवा दिया था। टिकट लेने की बारी आ चुकी है, तो अब हम अंदर जा रहे हैं। हाय गाइस, यहाँ तो काफी ज्यादा ताजमहल है। तो हेलो गाइस, जैसे कि एक आदमी अगर हमको बोलता है कि तुमको गार्ड चाहिए, कि आप उनको क्या बताएं, हमें इतने मुझोर है कि गार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। तो गाइस सिंपल सी बात है, हमें इतने बड़े मुझोर है कि हमें कुछ, हमको सब पता है किसने कहा क्या बनाया था, क्या नहीं बनाया था, हमको सब पता है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर टिकट वगैरह परचेस करने आया। जो मेल है उसका 50 रुपीज़ और फीमेल का भी वही रेट है। तो गाइस मेन गेट में हम घुस चुके हैं। क्या टोकन रिटर्न देना पड़ता है, क्या बात कर रहा है गाइस। ताजमहल से ज्यादा तो यहाँ कतई जहर वाले फटाके घूम रहे गाइस, चेक कैमरा मैन भाई साहब जी भैया, और जो आ चुके हैं गाइस।
तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, देखने लायक चीज है गाइस। अभी हम जा रहे हैं ताजमहल। ये क्या है, लाल लाल ताजमहल हो रहा है, सफेद। ओ गाइस सफेद तो दिख गया, सफेद ही देखने आए थे, व्हाइट वाला। जैसे कि चेकिंग वगैरह करा के हम अंदर इंटर हो चुके हैं, अभी टोकन वगैरह संभाल के रखना पड़ता है। मेरा फ्रेंड बोल रहा है अगर घूम गया तो क्या करेंगे घूम गया तो क्या करेंगे, हमको रिटर्न नहीं जाने देंगे ऐसा है, तो यही मुक्काम रह जाएंगे गाइस। इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है क्या? हाय गाइस, अभी आ गए हम आगरा में ताजमहल घूमने, और अभी तो घूमे नहीं है पूरा ताजमहल। गाइस एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, देखो गाइस ताजमहल देखने आए थे, दूसरा ही ताजमहल देख लिया। तो गाइस अभी हम गेट से इंटर होने वाले हैं, झक्का बहुत अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर ठंडा लग रहा है गाइस, विदाउट एसी के विदाउट कूलर के, काफी अच्छी हवा आ रही है गाइस। हाय जन्नत दिख रही होगी गाइस आपको। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम ताजमहल के अंदर आ चुके हैं, काफी खतरनाक दिख रहा है। और ये गाइस युगांडा से आए कि कहाँ से आए, मलेशिया से पता नहीं, लेकिन बड़े चूतिया लग रही है ये। सो फाइनली गाइस जैसे कि मैंने ब्लॉग में कहा था हम ताजमहल घूमने आए, ताजमहल बहुत ज्यादा घूम लिया है हमने। अब थोड़ा साइड वगैरह घूमेंगे, उस साइड जाएगा तो 200 रुपए टिकट लेते हैं। ले तू भी बोल ले गाइस। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि जो मतलब यहाँ की जो ताजमहल और इधर जो लाल साइड का बना हुआ है, यहाँ में बहुत डिफरेंट है जी। आई थिंक ये मस्जिद है गाइस, मुझे नहीं पता, ये मेरा एक गाइडेंस है, मेरा फ्रेंड है ये गाइड कर रहा है, तो देखते। तो गाइस ये है ताजमहल, जो आप लोगों ने देखा तो नहीं होगा, चलो मेरे वीडियो के थ्रू देख लो, फनी था लेकिन अच्छा था। ये है मस्जिद गाइस रेड वाली, भाई कतई चेहर वाली लोकेशन है ये, घूमते रहो मजे करते रहो, लेकिन आगरा जरूर आओ। तो गाइस ये मेरे दादा ने बनाया था जो अब नहीं रहे, और यहाँ पर हम बचपन में यहाँ पे चोर सिपाही खेलते थे। तो गाइस इधर देख सकते हैं, इधर है नदी, आप लोगों ने तो देखी नहीं होंगी, और देख के भी क्या करेंगे, मच्छी पकड़ने थोड़ी आना है आप लोगों को गाइस। तो गाइस यहाँ की लोकेशन आप हमारे पीछे की लोकेशन देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक भाई, यहाँ पर इंजॉय करने का इतना मजा आएगा भाई। बस इतना ही कि यहाँ पर थोड़े रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं तो यहाँ की तो बात ही अलग है। और यहाँ पर क्या ही बात करें, साजा ने तो भाई पूरी संपत्ति लुटा दी थी इसी में शायद लग रहा है, बेचारा प्यार की निशानी बनाते बनाते खुद निपट गया निपटा नहीं भाई, रिस्पेक्ट दे भाई बंदे को, इंसान सही था। औरंगजेब ने बहुत गलत किया था उस बंदे के साथ में, उसको मतलब कैद करके भाई बहुत ही गलत हुआ था। तो गाइस जैसे कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ये ताजमहल बनाया था, मैं भी मेरी बंदी के लिए ताजमहल बनाऊंगा, वो भी जगह उधर नदी में ले ली है, तो बस ठेकेदार से बात करना है और मजदूरों से बात करना है। तो गाइस मैं हाथ वगैरह तो नहीं कटाऊंगा, वो ऐसे क्यों 500 रुपए दाढ़ी से उनको रख लिया है गाइस, तो ऐसा सेम टू सेम ऐसा बनाना है गाइस मेरे को भी, तो अगले ब्लॉग में बन जाएगा गाइस। गाइस ताजमहल देखने आया था, बंदी तो नहीं थी लेकिन मेरे बंदे के साथ देखने आया था, मेरा दोस्त के साथ। तो गाइस यहाँ पर ना बहुत एंजॉय किया गाइस, बहुत मजा आया यहाँ पे ताजमहल से ज्यादा हमने लड़कियों को देखा गाइस, जो कि काफी खूबसूरत थी, संगमरमर के पत्थरों के जैसी। तो गाइस क्या बताएं आप, बहुत ही मजा आ गया है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता, सिर्फ वीडियो में बता सकता हूँ। तो अब घर के लिए रवाना नहीं होते गाइस, गाड़ी पकड़ते। तो गाइस जैसा कि ये लाल किले जैसा बना हुआ है गाइस, ये दीवार है आई थिंक, पता नहीं, और गाइस जूम करके बता दो, मेरी बंदी जा रही है गाइस, घोर के मत देखो गाइस, गई चली गई वो, निकल गई। कुछ बोलना चाहेंगे श्रीमान जी? लो एक बार, लो ना जी, लो ना। हाय गाइस हम आए थे ताजमहल घूमने, और क्या कर लिए, क्या है यहाँ पे पानी है, पानी का सिस्टम है गाइस, ये समझ में नहीं आ रहा ये है क्या गाइस, बड़ा अजीब सा लग रहा है गाइस, पानी पीने का तो नहीं, डाल के पानी निकालना पड़ता है, पानी निकालना पड़ता है गाइस यहाँ से, तो अलग ही लेवल का भाई।
तो गाइस जैसे कि ताजमहल वगैरह तो आपने देख लिया, लेकिन भाई यहाँ पर ना लड़कियाँ बहुत हैंडसम आती है भाई। ताजमहल को तो ज़्यादा देख नहीं पाया मैं, इसलिए अंदर भी नहीं जा पाया, क्योंकि भाई एक बंदी सुबह से लाइन दे रही थी भाई, उसके पीछे घूमते घूमते पूरा थक गया, लेकिन बंदी भाई दूसरे बंदे के साथ निकल के चली गई यार। तो गाइस हम थक गए, यहाँ पे आके थोड़ा सा सोचा बैठ जाते हैं, सुबह से घूम रहे गाइस। गाइस जैसे कि हम ब्लॉग बना रहे, तो यार गाइस ना हमारे पास जुबा केसरी है ना कुछ है भाई, उसके बिना तो हालत एकदम से डाउन हो गई है, बता नहीं सकते क्या क्या लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लुस्त हो गए, जैसे 10 दिन से खाना नहीं खाया होगा भाई, एकदम ऐसा लग रहा है। तो अब क्या बताएं, यहाँ पे तो फटाके क्या बोलते हैं, सॉरी, यहाँ पे ना माहौल देख के तो एकदम झक्कास सा आ रहा है। तो तुम्हें मैं क्या ही बताऊँ, तुम एक बार ताजमहल देखने जरूर आना, लेकिन इतना बात है अकेले मत आना, बंदी के साथ में आना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अकेले आओगे तो ताजमहल में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, बंदी के साथ आओगे तो ज़्यादा मन लगेगा। यस भाई काफ़ी थक चुके हैं और इनकी चाल ढाल बदल चुकी है गाइस, यहाँ से देखोगे तो पूरी लड़की दिखेगा गाइस, और ऊपर जाके देखोगे तो पूरा मर्द दिखेगा गाइस। ये है लाल वाला गेट, मेन गेट। हाय इतना सुकून गाइस, सच बता रहा हूँ, यहाँ पर ना एसी की जरूरत है ना कूलर की जरूरत है, 2400 घंटा हवा चलती है गाइस, बहुत ठंडा माहौल है यहाँ पर, बहुत ठंडा। तो भाई इससे जगह अच्छी ठंडी जगह तो मेरे को मिली नहीं और लग भी नहीं रही है। आगे तो भाई सब सुकून फेल हो जाते हैं, क्या ही बताए, कतई जहर कतई बॉम्बो। गाइस ये मेरा लड़का है, इसको ताजमहल दिखाने लाया था गाइस, तो इसको फोटो खिंचाने का बहुत शौक है। ये मेरा लोंडा है गाइस, हाँ तो ये है गाइस ताजमहल, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बता दे रहे कैसा दिखता, देखा नहीं होगा ताजमहल कैसा दिखता, बता लोगों को। ये है ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था हमारे ब्राह्मण, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया है। फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है, 3% बची है, स्विच ऑफ हुआ तो हुआ, घर पे जाके कर लेंगे, कोई बात नहीं। गाइस जैसे कि हम अभी गेट से बाहर निकलने में आ गए हैं, गेट से बाहर निकल चुके हैं हम, अब हम जा रहे हैं घर की ओर, अब घर को जाएंगे गाइस, खाना पीना खाएंगे और सोएंगे। और इसलिए गाइस एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप जब भी ताजमहल घूमने आते हो ना, तो पानी की बोतल खुद ही साथ में ला लिया करो भाई, यहाँ पर ये बोतल पता है 30 रुपये में देते हैं, तो भाई रेट बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पर, तो इसलिए बाहर से आओ भी ना तो खुद की बोतल लेके आओ, एक से बोले 2 बोतल लाओ, लेकिन बाहर से लेके आओ। तो हेलो गाइस, आपको अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो गाइस, तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करना कि जाओ गर्मी में क्या कर रहे हैं घर पे, भंडाने से अच्छा ताजमहल घूम के आ जाओ। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं दिल्ली के लाल किले पे, तो जब तक के लिए बने रहना मेरे वीडियो में, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपका अपना देव।